नीट का, नीट पीजी 2020 का फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग का रिजल्ट का डेट था वो अभी कोविड-19 के चलते रुका हुआ था, लेकिन उसके बारे में आज नोटिस आ गया है कि कब आएगा उसका डेट। और मैं सबसे पहले बता दूं कि ये आज का नोटिस है, 9/4/2020, क्योंकि कल भी एक इसी टाइप का एक नोटिस चारों तरफ घूम रहा था जबकि वो फेक था। और ये इसको आप वहाँ के जो MCC का साइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें है कि कि 10 अप्रैल को आएगा, ये डिक्लेयर हो गया है। दी अलॉटेड कैंडिडेट कैन रिपोर्ट टू द कॉलेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ राउंड 1 to 20 अप्रैल 2020, और कैंडिडेट को वहाँ तक पहुँचना है 20 अप्रैल तक। अब इसमें रिपोर्टिंग दो तरह से हो सकती है, इसमें डिटेल में दिया फिजिकल रिपोर्टिंग, ऑनलाइन रिपोर्टिंग। आप ऑनलाइन भी रिपोर्ट कर सकते हैं। फिजिकल में क्या है कि द कैंडिडेट वुड रिपोर्ट टू द कॉलेज फिजिकली फॉर टेकिंग एडमिशन आफ्टर पेइंग नेसेसरी फी एंड सबमिशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द कॉलेज एंड स्टार्ट ड्यूटीज़। तो वहाँ पे कुछ पैसे और अपना डॉक्यूमेंट पे करने के बाद वहाँ पे रिपोर्टिंग होगा। और ऑनलाइन में भी इसी तरह है कि उसमें ऑनलाइन सेंड करना है, कॉलेज बाय सेंडिंग ए कन्फर्मेटरी ईमेल रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एंड अपलोडिंग दी स्कैंड कॉपी ऑफ रिलीवेंट डॉक्यूमेंट एज मेंशन्ड इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू स्कीम ऑफ काउंसलिंग एंड पे दी रिक्विजिट फी ऑनलाइन टू दी अकाउंट ऑफ कॉलेज नोटिफाइड और कॉलेज पोर्टल। जो भी मिलेगा आपको वहाँ पर वैसे रिपोर्टिंग करना होगा। अब इसमें एक इन व्यू ऑफ दी एबव दी पार्टिसिपेंट कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड एज फॉलो। पहला कि इफ़ सीट इज अलॉटेड टू कैंडिडेट ही और सी मे ज्वाइन दी अलॉटेड सीट वेलिंग एनी ऑफ एबव टू ऑप्शन। ठीक है, फिजिकल और ऑनलाइन दो तरह से रिपोर्टिंग कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट दिया हुआ कि क्या क्या चाहिए। खैर ये सब तो जानते होंगे और उससे भी देख लीजिएगा, इसमें कुछ वो नहीं है। एडमिट कार्ड है, रिजल्ट, रैंक लेटर, इसको पास करके भी देख सकते हैं। और भी कुछ है इसमें, सेल्फ अटेस्टेड अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट हैंड रिटन, एक ये सेम इसी टाइप का एक होगा, उस पर सेल्फ अपना अटेस्टेड करना होगा। कैंडिडेट कैन पे द रिक्विजिट फी टू अलॉटेड कॉलेज थ्रू देयर ऑथराइज पोर्टल टू बी नोटिफाइड इन एडवांस बाय द कॉलेज अथॉरिटी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू बी वेयर ऑफ एनी फेक वेबसाइट। हाँ वो फेक के लिए दिया था, फेक वेबसाइट एंड कन्फर्म दी अकाउंट नंबर एंड पर्टिकुलर ऑफ द कॉलेज फ्रॉम दी वेबसाइट और कॉलेजेज बाई पर्सनली कॉन्टेक्टिंग देम बिफोर पेइंग द फीस एंड इंश्योर दैट द फी आर बींग पेड ऑन द करेक्ट पोर्टल। MCC ऑफ DGHS शैल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी केस ऑफ फॉरगेरी। तो ये सब नोटिस है, इसको आप MCC के साइट पे भी देख सकते हैं।